बढ़िया थी फिल्म, अच्छी थी, तीनों की एक्टिंग अलग थी, बढ़िया था, सभी गाने हिट थे, बढ़िया सब. शी ऑसम, माइंड ब्लोइंग, जस्ट ए इलस्ट्रियस मूवी, सुपर. किंग ऑफ बॉलीवुड, नो कमेंट्स, कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो किंग ऑफ बॉलीवुड है. सर, न्यू एडिटर ऑफ कैटरीना एंड अनुष्का, सुपर. आउट ऑफ 5, 5. इट वॉज वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, आई लव डेट. इतना सुबह सुबह उठ के आने का कुछ फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं कुछ बेकार गया, मतलब सुपर मूवी. आई डोंट हैव एनी कमेंट्स टू गिव दिस मूवी, मतलब अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी. शाहरुख खान की एक्टिंग तो ज़बरदस्त थी, मतलब जो ऐसा बिफोर द कुछ डाउट्स थे कि लाइक हाउ विल जस्टिफाई द एक्टिंग, छोटा कैरेक्टर है, शॉर्ट हाइटेड है, नथिंग लुक फेक, एवरीथिंग वॉज फाइन, जस्टिस था मतलब पूरा एक्टिंग के ऊपर पूरा. आई लव दिस फिल्म. अनुष्का शर्मा कैटरीना कैफ के अंदर, ऑब्वियसली कैटरीना तो उनका तो एक कैरेक्टर हॉट वॉट तो रहता ही है, बट अदरवाइज इन दिस फिल्म आई थिंक अनुष्का वॉज फार फार बेटर देन कैटरीना कैफ, बिकॉज उनकी एक्टिंग जो उनको कैरेक्टर जो दिया था, इनफैक्ट इट वॉज मच डिफिकल्ट देन शाहरुख खान ऑल्सो. कैसी लगी आपको ये फिल्म जीरो? बहुत अच्छी लगी. हाँ, बहुत अच्छी लगी. एंड शाहरुख खान? बहुत अच्छा. अच्छा, एंड कैटरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा है? कैटरीना कैफ अच्छी लगी. अनुष्का शर्मा? वो भी. कैसी लगी आपको? जीरो भी बहुत अच्छे लगे, उसका एक्शन भी अच्छा था और उसका रोमांटिक अच्छा था, कॉमेडी सबसे अच्छा, कॉमेडी बहुत अच्छा लगा मेरे को. शाहरुख खान की शाहरुख एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक था, उनका भी एक्शन बहुत अच्छा लगा. लास्ट टाइम अनुष्का शर्मा का भी उनका जो मूवी, एक साइंटिस्ट जो है स्टीपिन, लगता है मैं उनका ही रोल किया. 5 से 5. अच्छी मूवी है और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज शाहरुख खान की कमबैक मूवी है, सो आई थिंक ही इज़ बाउंस्ड बैक. और मेन हाईलाइट ऑफ दिस मूवीज VFX बहुत अच्छे हैं, आनंद राय का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे हैं सब एक्टर्स के. एक्टिंग कैसी लगी आपको शाहरुख खान? शाहरुख खान तो एक बार फिर से वो रोमांटिक अवतार में आ गए और इट वाज सच अ प्लेजर टू वॉच हिम ईच एंड एवरी फ्रेम दैट ही अपीयर्स इन. बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार निभाया, जो एक बॉने का किरदार है, तो उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया. और हैट्स ऑफ टू टेक्नोलॉजी और डायरेक्शन की, इतने अच्छे से शूट किया गया कि बिल्कुल यू जस्ट कांट बिलीव इतने अच्छे से. अनुष्का शर्मा वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ अ करियर, बिकॉज उन्होंने फिजिकली चैलेंज व्हीलचेयर बाउंड रोल निभाया और एक साइंटिस्ट का किरदार निभाया, तो उनका वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ अ करियर. तो शाहरुख कैटरीना ने एक बहुत ही गॉर्जियस एक्ट्रेस का रोल निभाया और जितना भी रोल निभाया शी इज़ क्वाइट डिसेंट इन अ रोल, बट द शो स्टीलर्स आर शाहरुख खान एंड अनुष्का शर्मा. शाहरुख खान की एक्टिंग बढ़िया थी, अनुष्का शर्मा की एक्टिंग बढ़िया थी, कैटरीना बहुत अच्छी एक्टिंग की है. आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट मूवी का वुड बी द स्टोरी, द टाइट स्क्रिप्ट है. मुझे बहुत पसंद है. बड़ी मतलब लंबी, चौड़ी नहीं लगी. म्यूज़िक बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि अभी तक पूरे सॉन्ग्स लॉन्च नहीं हुए थे, तो अंदर पहली बार देखे. वेरी बोल्ड, क्योंकि ये उन्होंने पहले कभी नहीं किया है और इस बार देखा तो ऐसे अवतार में पहले कभी नहीं देखा उनको. आई थिंक आनंद एल राय का बेस्ट है ये. मैंने उनकी सब नहीं देखी है, लेकिन इसमें से 4, 4.5.